जनता पार्टी में मुझे काम करते हुए पूरा नहीं तो आधे से ज्यादा जीवन हो गया है, 25 साल से ज्यादा हो गया है। तो टिकट तो हमने आवेदन किया है, पार्टी के लोगों को कहा है कि हमको टिकट देंगे, जैसा नेतृत्व मुझे लग रहा है कि हमारे पक्ष में निर्णय करेगा और हमें अवसर देगा जनता की सेवा करने का। चौधरी टूड़ाराम के गांव में अब हमारा वहाँ का शक्ति केंद्र है एमपी रोई, वहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है रात्रि प्रवास का, रात्रि भोज का आयोजन किया था, वहाँ पर मैं गया था। और वो एक प्रकार से इसलिए था क्योंकि कल दिन में जब चौधरी टूड़ाराम शामिल हुए तो वो प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सुभाष बराला जी ने उनको शामिल किया है, लेकिन शामिल होने के बाद उनको पार्टी में प्रवेश दिया है। अब गुंडागर्दी का लाइसेंस मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने टूड़ाराम को नहीं दिया है, उनको समझना चाहिए। लेकिन प्रवेश होते ही अब वो उन लोगों के जो उनकी और उनके गुर्गों की जो भाषा है कि भाई अभी तो जो है तुम लोग तो चौकीदार हो, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं को चिढ़ा रहे हैं। मुझे भी कहा गया, अरे तुम तो चौकीदार हो, चौकीदाराई करोगे, चौधर तो चौधरी ही करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको ये धौंस पट्टी करने का, कार्यकर्ताओं को धमकाने चिढ़ाने का लाइसेंस नहीं दिया है, पार्टी में प्रवेश दिया है। और अब अगर कोई हमको, अब जिन जो आयोजक हैं राजेंद्र गोदारा जी, उनको इनके परिवार के लोगों ने धमकाया, हमारे पन्ना प्रमुख बूथ प्रमुखों को ये चिढ़ा रहे, धमका रहे, तो हमने उनको कहा है कि जैसी भाषा का इस्तेमाल करोगे और वैसी भाषा में हमको जवाब देने आता है, हम शिकायत करने प्रदेश अध्यक्ष जी के पास नहीं जाएंगे। यहाँ पर कोई बात होगी तो उसका यहीं पर ही, जहाँ पर बात होगी वहीं पर जवाब देंगे। अब एमपी रोई में बात हुई है तो एमपी रोई में जवाब देंगे ना। और कोई अगर ज़्यादा अपने आप को समझता है तो हम कोई गोली चलाएंगे, अगर तो हम भी जो है गोली चलाना जानते हैं, हम भी उनको अगर वो गुंडागर्दी करेंगे तो हम गुंडागर्दी पहले नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे कार्यकर्ता की ओर टेढ़ी नज़र से देखेगा ना तो बंटू भाई उसकी आँख निकाल लेगा। मैं नहीं जाऊँगा प्रदेश अध्यक्ष जी के पास शिकायत करने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको पार्टी में शामिल किया है, गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं दिया है, ये टूड़ाराम को समझ लेना चाहिए। ये पुराने कार्यकर्ताओं को रहने धमकाने का काम कर रहे हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को चिढ़ा रहे ना, पुराने कार्यकर्ता चिढ़ा रहे सोशल मीडिया पे, चिढ़ा रहे, मेरे को नहीं छोड़ा, तुम तो चौकीदार हो, तुम तो पन्ना प्रमुख हो। हम दिखा देंगे, पन्ना प्रमुख भी है, चौकीदार भी है और लठ भी है हमारे हाथ में, जवाब देंगे सीधी भाषा में। अब कोई हमारे को कहे कि ये मर्यादा नहीं है तो फिर अब गुंडों को मर्यादा की भाषा में जवाब थोड़ी देंगे, गुंडों को तो ऐसी भाषा में जवाब देंगे। देखिए वीडियो जैसे सोशल मीडिया में भी वायरल हो रही है और आपके द्वारा भी कई ग्रुपों में फॉरवर्ड की गई है, शोल फिल्म की वीडियो है, ये एडिटिंग की हुई है जिसमें टूड़ाराम को कब्जादारी दिखाया गया, इस प्रकार की कई चीजें हैं, उसको लेके भी कोई प्रकार का लिया है टूड़ाराम कब्जादारी। प्रहलाद सिंह ने, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, प्रहलाद सिंह ने कहा ना कि टूड़ाराम ने बाघ पे कब्जा किया। अरे बिश्नोई समाज का इतिहास है, एक एक पेड़ के पीछे 363 लोगों ने बलिदान दिया था खेजड़ी में, इसका क्या इतिहास है ये यहाँ पे कौन नहीं जानता है। बाग था, पूरा उपवन था, बगीची मल्लाई तो नाम था, अरे कितने पेड़ों पे काट करके दुकान बना लिया, जानते नहीं है। मोदी जी ने शौचालय बनवाए पूरे देश में, और ये म्युनिसिपल कमेटी का लाल बत्ती में शौचालय नक्शे में है, शौचालय तक खा गए जो लोग, अब उनके बारे में क्या बोले। टूड़ाराम को टिकट का प्रश्न नहीं है, हमें अपने नेतृत्व पे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के उस पर और संगठन पर पूरा विश्वास है। अब टूड़ाराम जी है ये तो, अब हमने 237 में से 235 बूथ जीते हैं, 235 बूथ जीते हैं, 76,000 की लीड लोकसभा में आई है। तब टूड़ाराम कांग्रेस में ही थे ना, कांग्रेस में ही तो थे। अरे तो पार्टी ज्वाइन किया, वो दावा ठोकना उनका वो है, लेकिन निर्णय तो पार्टी नेतृत्व को करना है ना, और पार्टी नेतृत्व को मालूम है ठीक है क्या है, वो ठीक निर्णय करेंगे। पार्टी नेतृत्व को मालूम नहीं है कि भारत भूषण मिड्डा क्या है, उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि टूड़ाराम क्या है। इतने दशकों से तो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, अब उस पर भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है,
प्रदेश अध्यक्ष जी सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उससे विचलन का हमको पूरा विश्वास है कि विचलन नहीं होगा उससे। कोई शिकायत नहीं करेंगे, ऐसे जो गुंडागर्दी करेंगे उनको निपटना हम अपने आप शिकायत करने जाएंगे, वो नेतृत्व व्यस्त है। तब हमको मालूम है नेतृत्व पे विश्वास है, नेतृत्व ने उनको पार्टी सदस्यता दी है, गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं दिया है। और कोई करेगा ना, ये मैं ही फतेहाबाद गाँव, हमारा फतेहाबाद है, हम अपनी और अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा करना जानते हैं, सीधा कर देंगे उनको।